अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों से ये बनने वाली रेसिपी है। शाम के टाइम आपका कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है तो आप ये रेसिपी बनाकर खाएं। अगर अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप उनको भी ये बनाकर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। फिर एक कप ये मैंने मैदे का लिया है, इसको हम इसके अंदर छान के डालेंगे। इसको मैदे को हम छानना जरूरी है। तो मैंने छान लिया है, अभी हम इसको अंडे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसकी हमने सख्त सी डो बनानी है, जिस तरह समोसे की डो बनती है इतना इसको सख्त रखना है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर है, ये इसके अंदर जाएगा। दो चम्मच के करीब घी इसके अंदर डालेंगे। सारी चीज़ों को पहले चम्मच से मिक्स करेंगे और फिर हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे डालेंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे। इकट्ठा पानी नहीं डालना, इससे क्या होगा कि फिर हमारी डो जो है वो पतली हो जाएगी, फिर पतली नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं इसको हाथ की मदद से गूंद दूंगी। मिक्स कर लिया है, अभी इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए रखते हैं। तब तक हम अपनी चाशनी तैयार करते हैं। पैन में मैंने 2 कप पानी लिया है ये वाला, और 1 कप चीनी, 1 ही कप मैदे का था और 1 ही कप चीनी का है। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हो चुकी है, अभी हम इसमें 3 से 4 अदद इलायचियाँ ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 नींबू काट के इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हमने 2 तार तैयार करना है। मेरी 2 तार चाशनी तैयार हो चुकी है, यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, उसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ। यहाँ मैंने डो को 5-6 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अभी हम इसको निकाल के बोर्ड पे थोड़ा सा करेंगे और इसको अच्छी तरीके से इसको माथे की मदद से थोड़ी इस तरीके से मस लेंगे ताकि ये थोड़ी सख्त हो जाए। चाशनी की हमारी उसको छान के अलग से बर्तन में डाल देंगे। डो हमारी सेट हो चुकी है, अभी हम इसको रोलिंग पिन की मदद से इस तरीके से बेल लेंगे। और ज्यादा पतला आपने नहीं बेलना, बस इतना मैंने इसको रखा है। यहाँ पे मेरे पास ये स्टार शेप में भी और ये फ्लावर शेप में भी कटर है, आर्ट का भी है। तो यहाँ पे मैं ये इसको इस तरीके से ऐसे काटूंगी स्टार शेप में और ये अलग से। मैं ये देखिए स्टार की शेप में कुछ बना ली और बाकी की जो डो रहेगी उसको अब इसी तरीके से बेल के स्टार की मदद से काट लेंगे। तो मैंने बेल लिया, इसके भी मैं इस तरह छोटे छोटे स्टार बना लूंगी और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। अरे स्टार रेडी हो चुके हैं, अभी हम इनको
फ्राई करते हैं। पैन गर्म हो चुका है, अभी हम एक एक कर किस तरह इसके अंदर ऐड कर देंगे। आपने इसको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, बहुत ही मजे की रेसिपी है। सही गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। और बाकी के सारे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अभी हम इनको निकालेंगे, इससे ज्यादा हमने इनको गोल्डन नहीं करना। गरम गरम चाशनी के अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। हम इनको इस तरीके से डिप करके रखेंगे। वो शीरे में से निकाल लेते हैं।